एओटिक रीगर्जिटेशन है, मतलब दिल का एक वाल्व जिससे पूरे दिल में शरीर में खून जाता है, वहाँ पे खून वापस रिस रहा था। पूरा एसेस किया तो पता चला कि इसकी फेफड़ों में भी ताकत कम है। ये हुआ इनको यहाँ पर आई तो इनको ऐसा फील हुआ कि हम यहाँ सही सेफ हैं या हमें रिलीव है यहाँ पे हॉस्पिटल देखे। देन वी डिसाइडेड कि हम इसमें एक जागता हुआ ऑपरेशन करेंगे, अवेक एवीआर करेंगे, मतलब पेशेंट जगता रहेगा, बात करता रहेगा और पेशेंट को कभी भी वेंटिलेटर पे हम लेंगे ही नहीं। इसमें जो पल्मोनरी फंक्शन है वो बेहतर रहते हैं ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद पेशेंट जगा रहता है, पेशेंट अपनी सांस लेता है, पेशेंट बात करता रहता है। हमारे अंदर बता रहे थे कि जो जैसे वहाँ पे जो कुछ हो रहा था मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे कि अब जो है काटा जा रहा है या इसको चाप किया जा रहा है, अब मशीन चल रही है, अब क्या हो रहा है, कुछ लोग जैसे बातें कर रहे हैं, वो सब एहसास हो रहा था। साथ ही साथ क्योंकि पेशेंट जगा रहता है तो ऑपरेशन के दौरान या वेंटिलेशन के दौरान जो एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आता है, एक रिस्पॉन्सेज बॉडी के जो अपने होते हैं, जो जिसको कि हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं, कैटेकोलामाइन्स कहते हैं, उसका जो बदन में संचार होता है वो भी कम रहता है, पेशेंट कम्फर्टेबल रहता है और पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है। दिखा के तस्वीर को बहुत आराम है, हर एक चीज़ में जैसे वो अच्छा फील हो रहा है कि हमने उसको छुट्टी भी दे दी। द पेशेंट इज डूइंग वेरी वेल, हमारे यहाँ फॉलो अप में आया और अब वो जल्दी ही अपना एक दुकान खोलने वाला है। इट्स वेरी गुड फॉर द पेशेंट एंड सर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। अब्दुल करीब हमारे पास एक महीने पहले एडमिट हुए थे, तो जब आए थे तो सांस बहुत ज़्यादा फूलता था, एक्चुअली लेटते थे तो भी उनका सांस बहुत ज़्यादा फूलता था। ही वॉज नॉट एबल टू कैरी आउट एनी एक्टिविटी, काम भी कुछ नहीं कर रहा था, 28 साल का जवान लड़का हो गया था, काम पे भी नहीं जा पाता था, कुछ काम नहीं कर पाता था। सर्जरी हम लोगों ने करी सांस में, क्योंकि इसको दिक्कत भी थी, तो जब सर्जरी करी उसके बाद आज की तारीख है कि जब पिछली बार मेरे पास ओपीडी में अभी आया है तो बोला था सर हम अपनी दुकान खोलेंगे, आपने बोला है कि काम करना ज़रूरी है, तो आज वो अपनी दुकान खोल रहा है। ये कितना अफोर्डेबल, कितना अफोर्डेबल? वेरी अफोर्डेबल, आप देखेंगे तो एक्चुअली तो ये कॉस्ट कटिंग टाइप है। कोई भी पेशेंट हम ऑपरेट करते हैं तो पेशेंट को हम अमूमन उसको दो तरीके से हम उसको देखते हैं कि भाई कम से कम चीरा लगे और कम से कम इन्वेजन हो। हमारा बदन ही सबसे अच्छा है, ऊपर वाले की जो देन है। इट इज़ नॉट रिस्की, रिस्की ये तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। पेशेंट को रिस्क होता है कि वेंटिलेटर पे, आपने सुना होगा कि कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे ही चल रहा है। इस पेशेंट को सांस की भी दिक्कत थी, तो इस पेशेंट में मैंने, डॉक्टर अमित ने, हम लोग के कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर अजय, हम लोगों ने एक डिसीजन बेसिकली लिया कि हम लोग को इस पेशेंट को हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि पेशेंट अपनी ही सांस ले, उसको बाहर का कुछ देना ही नहीं पड़े, क्योंकि आप जब देते हैं उसको हटाना भी एक प्रक्रिया होती है, वेंटिलेटर के अपने कॉस्ट होते हैं। तो इस सर्जरी में हमने वेंटिलेटर पे लिया ही नहीं पेशेंट को, बजाय दैट हमने पेशेंट को अवेक सर्जरी करी, पेशेंट अपनी सांस लेता रहा और पूरे समय पोस्ट ऑप के बाद भी पेशेंट कभी भी वेंटिलेटर पे गया ही नहीं। कि पेशेंट सांस लेता रहे और बाकी सब कुछ करता रहे पर उसको दर्द ना हो, मेरे ख्याल से थोरैसिक एपिड्यूरल के बारे में एक बार डॉक्टर अमित आप एक बार सर, ये सर्जरी कितनी देर तक चली और कितना खर्च आया इसमें? ये सर्जरी हमारी, देखिए खर्च तो मैंने पहले ही आपको बताया, जब वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, इंट्यूबेशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने तो पैसा बचा ही दिया। फिर भी तो पेशेंट का फिर जो अप्रॉक्सिमेट हमारा पैकेज रहता है उससे करीब 25-30 हज़ार रुपये पेशेंट सस्ते में ही ऑपरेशन हो गया। दूसरी बात, जो नॉर्मल पेशेंट को हम पैकेज देते हैं 7 दिन रुकने का, पेशेंट हमारा 4th-5th दिन ही अपने घर पर चला गया। तो अभी कितना खर्च आया है इसमें? खर्चा करीब इनका 2.5 से 2.75 लाख रहा होगा। देखिए मैं, कोई भी सर्जरी होती ना तो उसमें, जैसे आपने पूछा कि रिस्क का, तो एक तो सर्जरी का रिस्क होता है, एक बेहोशी का रिस्क, ठीक है, और मतलब सर्जरी होनी तो बेहोशी देनी देनी है, मतलब इट्स अ मस्ट, टू पार्ट ऑफ पॉइंट, मतलब अलग नहीं रह सकते। तो मतलब इसमें जो रहा कि बेहोशी का रिस्क वो बहुत कम था, क्योंकि इनकी जो दिक्कतें थी, इनको जो बोलते हैं कि COPD, वो भी था काफ़ी, मतलब सीवियर जो बोलते हैं, तो उसकी वजह से अगर ये इनको पूरी बेहोशी दी जाती और कार्डियक सर्जरी जो है उसके लिए पूरी बेहोशी देनी पड़ती है। बेहोशी भी दो तरह की रहती है, पूरी और एक जो नाभि के नीचे, जो मतलब कि बच्चा वगैरह पैदा होने में अमूमन यूज़ की जाती है, तो इनको पूरी बेहोशी देनी थी, कार्डियक सर्जरी या पूरी बेहोशी देनी है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया डॉक्टर विजयन और भी डिस्कस, तो उसके बाद हुआ कि अगर इनको पूरी बेहोशी दी जाएगी तो इनका खर्चा ही बढ़ेगा, रिस्क रहेगा, और बाद में हॉस्पिटल में रुकने का इनका जो टाइम है दिया जाता,
पर जो सर्जरी के लिए ज़रूरी है कि उनका जो ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, ये सब कुछ सामान्य रहे, मरीज को दर्द ना हो, तो मरीज कंफर्टेबल रहे, तो ये सब सारी चीज़ें हम इससे अचीव कर पाए अभी सर्जरी से। और आपने देखा एक पेशेंट का वीडियो, एक्सपर्टाइज चाहिए होता है इन द सेंस, जब हम चेस्ट भी खोलें तो फिर प्लूरा ना खोले कुछ नहीं। ठीक, थैंक यू।